हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकीज एंड स्पीकीज। फ्रेंड्स, इन दिस क्लास ऑफ फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश ग्रामर टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टेंस एंड टाइम और उसके साथ साथ डिफरेंस बिटवीन दिस टू। टेंस और टाइम के बीच में जो अंतर है उसको हम लोग जानेंगे और टेंस और टाइम को अच्छे से थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। सो बिफोर यू स्टार्ट अवर क्लास, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई ऑल वीडियोज। सो लेट्स स्टार्ट। सो डेट्स एंड टाइम, डेट्स और टाइम जानने से पहले हम लोग पहले जानते हैं टाइम, है ना। तो टाइम के बारे में पहले जानते हैं, हम सब जानते हैं टाइम होता है तीन प्रकार के टाइम होता है। एक होता है आपका पास्ट टाइम और सेकेंड में है आपका प्रेजेंट टाइम और थर्ड में है आपका फ्यूचर टाइम, ठीक है। यही तीन प्रकार के टाइम होते हैं, पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम। पास्ट टाइम मतलब जो अतीत, जो समय पार हो चुका है, पार हो गया है, अतीत वाला समय, उसको हम लोग पास्ट टाइम कहते हैं। पास्ट मतलब क्या होता है, अतीत होता है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट मतलब जो वर्तमान में है, जो वर्तमान में है उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टाइम, ठीक है। और फिर होता है आपका तीसरा वाला है फ्यूचर, जो समय आपका आने वाला है, जो आया नहीं, जो समय आपका आने वाला है वो होता है आपका फ्यूचर टाइम, ठीक है। तो ये अतीत हो गया, ये वर्तमान हो गया और ये फ्यूचर हो गया, है ना। तो ये तीनों टाइम में आपका जो भी कार्य होता है उसी कार्य को हम जब बताने के लिए हम टेंस फॉर्म यूज करते हैं। किसका? हम वर्ब का टेंस फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो इतना तो हम लोग को समझ में आ गया, जो टाइम है ये तीन प्रकार के टाइम है और इसी तीन प्रकार के टाइम के हिसाब से जो भी काम हम करते हैं यही तीन टाइम में ही हम लोग का होता है। जो काम हम कर चुके हैं, हो चुका है, पहले से हो गया है, वो पास्ट टाइम है, और जो काम अभी चल रहा है, अभी है ना, और वो हो गया आपका प्रेजेंट टाइम। और जो समय आने वाला है, जो समय आने वाले समय फ्यूचर में हम अगर हम कुछ करने जा रहे हैं तो वो वाला टाइम का आपका क्या कहेंगे, उसको फ्यूचर टाइम का, ठीक है। तो ये हो गया टाइम। अभी हम लोग देखेंगे टेंस, ये टाइम के साथ टेंस क्या होता है उसको जानेंगे, उसके बाद दोनों का बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। और एक तो चीज हम बता दें, जैसे मान लो हम टाइम का अगर टाइमलाइन एक तो अगर हम ड्रॉ करें, मान लो अभी हम लोग यहां पर हैं, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट टाइम है ना, और ये वाला जो प्लेस है मतलब यहां से हम यहां तक आ चुके हैं, यहां पहुंच गए, तो ये हो गया आपका पास्ट टाइम, ठीक है। और ये वाला प्लेस, ये पहुंचे नहीं हम, यहां तक हम लोग को जाना है, तो ये हो गया आपका फ्यूचर टाइम, ठीक है। तो ये पास्ट टाइम मतलब अतीत समय, जो समय पार हो चुका है, और प्रेजेंट टाइम जो समय अभी है, और फ्यूचर टाइम मतलब जो समय आने वाला है आगे, उसको हम लोग कहेंगे फ्यूचर टाइम, ठीक है। ये टाइमलाइन में हम समझ जाएंगे। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है टेंस। अभी थोड़ा ध्यान से आप लोग देखो, अच्छे से देखोगे टाइम और टेंस को तो दोनों के बीच में जो अंतर है वो आपको समझ में आ जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो टेंस, ये जो टेंस काल हम कहते हैं ना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, काल कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली काल मतलब काल रूप, किसका ना, क्रिया का, क्रिया का काल मतलब टेंस फॉर्म ऑफ फॉर्म। टेंस मतलब एक्चुअली हम खाली टेंस कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली होता क्या है वो ना, टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। वर्ब का काल रूप, उसी को हम लोग टेंस कहते हैं, है ना, मतलब टेंस फॉर्म ऑफ। अच्छा, देखो टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, है ना। जैसे हम लिखे आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, मैं रोज क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। तो यहां ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्ले, ये हो गया आपका वर्ब, मतलब ये क्रिया हो गया, ठीक है। तो ये रोज खेलता हूं, तो ये रोज खेलता मतलब
पहले भी करता था, आज भी कर रहा हूँ और आगे भी खेलूँ, तो ये आपका प्रेजेंट फॉर्म है ना। अगर हम यही और एक सेंटेंस लिखें, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे मतलब मैं कल क्रिकेट खेला, ठीक है। तो कल के लिए जो पास्ट, ये प्रेजेंट टाइम है और ये पास्ट टाइम का है, तो पास्ट टाइम में जो हुआ उसके लिए हम जो वर्ब का जो फॉर्म यूज किए वो क्या किए, प्ले लिखे, ठीक है। प्रेजेंट के लिए हम प्ले लिखे और पास्ट के लिए हम लिखे प्ले। तो यहाँ प्रेजेंट टेंस फॉर्म में है वर्ब और यहाँ पास्ट टेंस फॉर्म में, ठीक है। तो वर्ब का ये जो टेंस फॉर्म होता है उसी को हम खाली टेंस कहते हैं, लेकिन वो क्या होता है, नॉट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, ठीक है। अच्छा, अभी क्या है, अभी देखेंगे तो ये जो टेंस फॉर्म होता है, ये टेंस फॉर्म कितना टू टेंस फॉर्म होता है, कितना टू टेंस होता है आपका, टेंस होता है दो तरह, इंग्लिश में दो तरह का टेंस होता है, एक होता है पास्ट टेंस और दूसरा होता है प्रेजेंट टेंस, है ना। मतलब पास्ट टेंस फॉर्म में जो वर्ब को हम यूज करते हैं, जो एक्शन हम को एक्सप्लेन करते हैं वो पास्ट टेंस फॉर्म में यूज लिखते हैं, और जो एक्शन आपका प्रेजेंट में हो रहा है उसको प्रेजेंट टेंस फॉर्म में यूज करते हैं उस एक्शन को या उस वर्ब को, है ना। तो तीसरा वाला जो है आप बोलोगे फ्यूचर, फ्यूचर को हम टाइम ही कहते हैं, वो टेंस नहीं होता है, वो फ्यूचर टाइम, ठीक है। पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस, लेकिन फ्यूचर जो होता है वो फ्यूचर टाइम ही रहता है, उसको फ्यूचर टेंस नहीं कहते। उसको अगर हम समझ गए क्यों नहीं कहते, तब वही चीज हम लोग का मतलब जो डिफरेंस जो होता है टेंस और टाइम का, ये हम लोग को पता चल जाता है ना, क्यों नहीं कहते इसको टाइम कहते और टेंस क्यों नहीं कहते। अच्छा, तो देखो अभी वो चीज बता रहे, तो प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है और फ्यूचर टाइम होता है, ठीक है। देखो तो एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, जैसे पहले लिखे थे अभी और एक टू लिख रहे हैं, वी गो टू स्कूल एवरी डे, हम रोज स्कूल जाते हैं, रोज जाते हैं, रोज का काम है, मतलब पहले भी जाते थे आज भी जाएंगे या गए थे और आगे समय में भी जाएंगे, है ना। तो ये प्रेजेंट फॉर्म है, तो उसमें हम क्या लिखे ना, वी गो टू स्कूल एवरी डे, वही चीज अगर हम लिखे यहाँ, वी वेंट टू स्कूल एवरी डे, वी वेंट टू स्कूल एवरी डे, तो हम सॉरी वी वेंट टू स्कूल यस्टरडे, मतलब कल हम स्कूल गए, ठीक है, कल गए मतलब ये टाइम पार हो चुका है, कल का काम खत्म हो चुका है स्कूल जाने का, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट है वी वेंट लिखा, यहाँ गो लिखे था और यहाँ वेंट लिखे, हम जाते हैं और ये गए, है ना। तो जाने वाला जो एक्शन है गो का, उसका प्रेजेंट टेंस फॉर्म में क्या लिखा, गो लिखे, और पास्ट टेंस फॉर्म में उसको हम लिखे वेंट, ठीक है। अगर हम फ्यूचर में हम जाएंगे, हम स्कूल कल हम स्कूल जाएंगे, टुमारो वी गो टू स्कूल, वी गो सॉरी वी गो टू स्कूल, वी गो विल गो टू स्कूल टुमारो, ठीक है, वी विल गो टू स्कूल टुमारो, मतलब कल हम स्कूल जाएंगे, तो उसके लिए देखो फ्यूचर, ये फ्यूचर कल जाएंगे, अभी समय आने वाला है, कल का समय, तो देखो प्रेजेंट में हम लिखे वी गो टू स्कूल एवरी डे, पास्ट में लिखे हम वी वेंट टू स्कूल एवरी डे, लेकिन जब फ्यूचर में हम लिखे तो क्या लिखे ना, वी विल गो टू स्कूल एवरी डे सॉरी गो टू स्कूल टुमारो, तो हम यहाँ क्या लिखे, जो एक्शन वर्ड है जो वर्ब है वो क्या है, गो है, वो कौन सा वाला फॉर्म है, प्रेजेंट वाला फॉर्म है,
उसको फ्यूचर करने के लिए हम क्या किए ना, यहाँ एक तो हेल्पिंग वर्ब यूज किए जो कि उल, उल क्या होता है, एक मॉडल ऑफ डिले होता है, ठीक है। तो हम ये पढ़े थे हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के बारे में हम पढ़े थे, इससे पहले भी क्लास हम लोग का हुआ है, वर्ब के बारे में पढ़े थे, है ना। उसका लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा, है ना, तो उसमें आप देख लोगे ये वाला वीडियो, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाके इसको देख सकते हो, है ना। तो उसमें क्या लिखा है, वी विल गो टू स्कूल टुमारो, मतलब कल हम स्कूल जाएंगे। तो जाने के लिए जो आपका जो वर्ब है वो गो यूज किए, लेकिन कौन सा वाला फॉर्म यूज किए, प्रेजेंट फॉर्म में यूज किए, ठीक है। और उसको फ्यूचर करने के लिए, इसको फ्यूचर टाइम में हम एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज किए, वी यूज किए, मतलब एक मॉडल ऑक्सिलरी हम यूज किए, ठीक है। लेकिन फॉर्म कौन सा यूज हुआ, गो यूज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ ना, फ्यूचर के लिए कोई भी वर्ब का टेंस फॉर्म नहीं होता, समझ में आ गया, कोई भी वर्ब का टेंस फॉर्म फ्यूचर के लिए नहीं होता। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं ना, फ्यूचर को टेंस नहीं कहते, फ्यूचर को टाइम कहते, क्योंकि टेंस, टेंस मतलब क्या होता है, हम पढ़े अभी कि टेंस मतलब टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का काल रूप को टेंस कह देते हैं हम, ठीक है। तो ही टेंस फॉर्म या टेंस, लेकिन फ्यूचर के लिए उसका कोई काल रूप नहीं होता है, उसका कोई टेंस फॉर्म नहीं होता है, उसको हम यूज करने के लिए क्या, प्रेजेंट टेंस फॉर्म यूज करते हैं और उसके साथ एक मॉडल ऑक्सिलरी हम यूज करते हैं, लेकिन तो ये जो मेन वर्ब है वो प्रेजेंट फॉर्म में होता है। तो जैसे कि इसका कोई स्पेसिफिक टेंस फॉर्म नहीं है फ्यूचर के लिए, इसीलिए हम फ्यूचर टेंस नहीं कहते, फ्यूचर टाइम कहते हैं, फ्यूचर टाइम कहते हैं। अभी समझ में आ गया, तो यही है अंतर टेंस और टाइम के बीच में, ठीक है। इसीलिए टेंस हम लोग का इंग्लिश में दो होता है, एक होता है पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस, और फ्यूचर जो होता है वो फ्यूचर टाइम होता है, ठीक है। इतना है आपका टेंस टाइम और ये दोनों के बीच में डिफरेंस। उसके बाद अभी जितने भी आपके चाहे जो टेंस हम पढ़े या टाइम पढ़े, ये सबको चार भाग में बांटा जाता है, जिसको कि हम एस्पेक्ट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, एस्पेक्ट्स, भेद, यानी कि भेद, है ना, इसको हम अभी देखेंगे क्या होता है, ठीक है। अच्छा, एक एक करके हम जाएंगे आगे पढ़ेंगे और क्या बचा तो देख लेते हैं ना। ठीक है, अच्छा वही एस्पेक्ट, एस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, मेरा है कि हम यूज कर रहे हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे एस्पेक्ट्स, ठीक है, एस्पेक्ट्स यानी कि भेद, ठीक है। ये क्या है, ये जो एस्पेक्ट्स है वो क्या करता है ना, टाइम के हिसाब से हम लोग को सेंटेंस जैसे जैसे हम यूज करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, सेंटेंस को हम बोलते हैं, उस हिसाब से एस्पेक्ट क्या करता है ना, सेंटेंस को अलग अलग करके बांट देता है, ठीक है। इसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से, देखो कौन सा अक्षर या कौन सा काम कितना हुआ है या हो रहा है या हो चुका है या होते रहता है, वही सब चीज हम लोग कौन बताता है, ये जो भेद एस्पेक्ट्स बताता है ना, उसी हिसाब से कामों का मतलब जो भी कार्य का मतलब कितना हुआ है या हो चुका है या हो रहा है, उसको जानने के लिए उस हिसाब से हम लोग सेंटेंस यूज करते हैं। तो उसी उसी सेंटेंस को हम चार भाग में बांटते हैं, जिसको कि हम एस्पेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये एस्पेक्ट्स में क्या क्या होता है, चार चार एस्पेक्ट्स होता है। पहला वाला क्या है आपका, सिंपल, ठीक है, मतलब हर टेंस में, खाली ऐसे नहीं कि एक ही है, हर टेंस में ये बता देंगे आपको, तो सिंपल, ठीक। दूसरा होता है आपका कंटिन्यूअस, और इसको हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, और तीसरा होता है आपका परफेक्ट, परफेक्ट पी आर है ना, देखो ध्यान से पी आर परफेक्ट, और चौथा होता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव,
कंपेयर कर दिया, से द परफेक्ट प्रोग्रेस। ये चार का एस्पेक्ट होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट प्रोग्रेस। कुछ भी कह सकते हैं, कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, मतलब कोई काम प्रोग्रेस में है, कंटिन्यू चल रहा है, तो उसको आप कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव कहते हैं। तो उस हिसाब से आपको आगे सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार एस्पेक्ट्स होते हैं हर टेंस में, चाहे आपका प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में। तो उस हिसाब से हम ये चारों का अगर प्रेजेंट में हम करेंगे तो प्रेजेंट के लिए क्या लिखेंगे, अगर हम प्रेजेंट टेंस के लिए, बस आपको खाली इतना आपको सीख लेना है, उसके बाद ये अपने आप हो जाए। प्रेजेंट के लिए हम उसको कहेंगे सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, ये वन टू और ये थ्री, प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार एस्पेक्ट्स होते हैं सब में, प्रेजेंट में भी होते हैं, पास्ट में भी होते हैं और फ्यूचर में भी होते हैं। तो पास्ट के लिए हम क्या है, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर के लिए करेंगे सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपको सीख रहे कौन सा, ये चारों का खाली बस ध्यान देना, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों को सीखना है, ठीक है। तो यही जो चार जो भेद है, इन चार भेदों को ले कि हम कौन सा एक्शन या कौन सा इवेंट या कौन सा कार्य कितना हुआ है या हो रहा है ना, वो हम लोग को पता चलता है। और उसी हिसाब से हम सेंटेंस भी बोलते हैं ना, जैसे हम कहेंगे हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम जा चुके हैं, हम 10 दिन से जा रहे हैं। तो ये जो भेद है, ये चल अलग अलग ढंग से हम सेंटेंस को बोलते हैं ना, तो उसी सेंटेंस को बोलने के लिए उसको चार भाग में बांट जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं भेद, यानी कि एस्पेक्ट्स। और वही एस्पेक्ट्स है आपका सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो उस ये जो तीन चारों को चारों एस्पेक्ट्स आपके सब जितने भी टेंस होते हैं या टाइम जो होता है सब में होते हैं। तो उस हिसाब से हम उसको सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं, और पास्ट का वही पास्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर का वही सेम चीज, ठीक है। तो इतना था आपका टेंस एंड टाइम और उन दोनों के बीच में डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन दिस टू, मतलब टाइम, टेंस और टाइम के बीच में डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस क्या था, क्या बताऊँ आपको, डिफरेंस ये कि टेंस, टाइम तीन प्रकार के हैं और उसी टाइम को लेके हम टेंस को एक्सप्लेन करते हैं, और टेंस होता है दो प्रकार का, है ना। काम तो ये तीन समय में होता है, पास्ट में होता है, प्रेजेंट में होता है और फ्यूचर में होता है, ये तीन समय में कोई भी एक्शन होता है, कोई भी इवेंट होता है ना। तो उसको जब हम प्रेजेंट करते हैं, किस रूप में प्रेजेंट करते हैं उस कार्य, उस क्रिया को कैसे लिखते हैं, टेंस फॉर्म में यूज करते हैं। तो टेंस फॉर्म जैसे कोई भी क्रिया का टेंस फॉर्म दो होता है ना, तो वही दो को टेंस फॉर्म होता है, इसलिए हम उसको टेंस फॉर्म दो टो होता है, जैसे कि उसी के हम उसको टेंस, मतलब टेंस आप कहते हैं दो टो टेंस है इंग्लिश में, जैसे कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट। और फ्यूचर का कोई टेंस फॉर्म नहीं होता है, स्पेसिफिक टेंस फॉर्म नहीं होता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए एक मॉडल ऑक्सिलरी यूज करते हैं, और फिर टेंस उसका जो टेंस फॉर्म होता है वह वो प्रेजेंट टेंस फॉर्म नहीं होता है, तो इसीलिए वो हो गया आपका फ्यूचर टाइम टेंस, उसका प्रेजेंट टेंस नहीं कहते उसको, क्योंकि उसका स्पेसिफिक टेंस फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो इतना था आपका टेंस, टाइम और एस्पेक्ट्स, और डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड